पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के ज़ेर एहतमाम 74वें योम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिला में पुरवकार तकरीब का एहतमाम शारजा में किया गया। सदर मरकज चौधरी खालिद हुसैन ने भरपूर तालियों की गूंज में केक काटा। मेहमान ग्रामी में राजा मोहम्मद सरफराज, जमील इसहाक, मोहम्मद गौस कादरी, मियाँ मुनीर हंस, अब्दुल वहीद पाल, डॉक्टर अक्रम चौधरी, जुबैर खान, इमरान हसन, सलमान वसार, चौधरी इफ्तखार, चौधरी सज्जाद नजीर, इरफान अफसर अवान, उमर बलोच और दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की गई। मैं आज पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में 14 अगस्त के हवाले से जो तकरीब हुई है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि कोविड-19 की वजह से आज हम लोग फुल फ्लेज जश्न आज़ादी का प्रोग्राम नहीं कर सके और हमने सिर्फ आज की कटिंग की सेरेमनी की है जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे और मैं अपनी तरफ से शारजा सेंटर के बोर्ड की तरफ से और कम्यूनिटी की तरफ से जहाँ जहाँ भी दुनिया में पाकिस्तानी बस रहे हैं उनको अपनी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी का दिन एक अजीम दिन जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ। मैं समझता हूँ कि जिंदा कौमें जो होती हैं वो अपने जो दिन होते हैं वो बड़े शान और शान तरीके से मनाते हैं, तो आज 14 अगस्त के हवाले से मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को दिल की अतागराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे पाकिस्तान को ताक़ियामत व सलामत व आबाद शाद रखे। मेरी तरफ से यूएई और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूएई पाइंदाबाद। शारजा सोशल सेंटर चौधरी खालिद का बहुत बहुत हम मशहूर है कि इस सिचुएशन में भी उसने प्रोग्राम अरेंज किया और पाकिस्तान के जो जश्न आज़ादी 14 अगस्त का दिन है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दिन मेरे ख्याल से तो हर जगह में जिस लिमिट में भी हो लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि हमें अपनी तारीख के साथ जो है वाबस्तगी हो। और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जो यूएई में है, पाकिस्तान में है या दुनिया के किसी कोने कोने में, उनको सब को जश्न आज़ादी 14 अगस्त मुबारक। जश्न आज़ादी के सिलसिले में आज जो यहाँ प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में, उसमें तमाम तर मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद थे, यहाँ पर सियासी जमातें मौजूद थीं। इससे यही साबित होता है कि हम सब एक हैं और इंशाल्लाह अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए एक मुट्ठी बन के आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से और यूएई में रहने वाले तमाम बलोच कम्युनिटी की तरफ से मैं 14 अगस्त का पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में है या दियार गैर में है सबको जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमें इस आज़ादी की कदर होनी चाहिए और हमें इतफाक़ से मिलकर 14 अगस्त मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ यौम पाकिस्तान की। और पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा ने ये आज तकरीब मुनक़द की, इनका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदा। पाकिस्तानी कौम को जो इधर है यूएई में है या पाकिस्तान में, मैं सबको 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ जो लोग हैं उनको बोलता हूँ कि सब इत्तेफाक से रहें और उधर भी इत्तेफाक से रहें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें।